5500 करोड़ खर्च करके 39 लाख स्क्वायर फीट पर बनाया गया एक ऐसा होटल जो आईफिल टावर से भी लंबा है, और इतना ही नहीं, इसमें 3000 रूम होने के बावजूद आज तक एक भी गेस्ट नहीं आया है। पिरामिड के आकार की यह गगनचुंबी इमारत 330 मीटर ऊंची है और इस बिल्डिंग के टॉप पर रेस्टोरेंट बनाने का प्लान था, मगर ऐसा क्या हुआ कि आज इसको शापित होटल या भूतिया होटल के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, कुछ साल पहले एक अमेरिकी मैगजीन ने इस होटल को ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे खराब इमारत करार दिया था। वैसे तो इस होटल को दुनिया के सबसे ऊंचे होटल के रूप में बनाया जा रहा था, लेकिन अब इसकी एक अलग ही पहचान बन चुकी है। इस खासियत की वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। आखिर क्या वजह है जो ये बिल्डिंग आज तक वीरान पड़ी है? क्यों यहाँ कोई गेस्ट नहीं आता और क्या है इसकी हालत आज? चलिए जानते हैं। 1987 ये वो साल था जब उत्तर कोरिया की राजधानी योंगयांग में एक भव्य नए होटल की नींव रखी जाती है। किम सेकंड संग नॉर्थ कोरिया के पहले नेता एक ऐसी इमारत चाहते थे जो उनके देश के लिए एक लैंडमार्क हो और एक स्ट्रॉन्ग सिंबल दुनिया भर में दिखे। उन्होंने इसको एक पिरामिड की शेप में बनाने का ऑर्डर दिया, मगर उस वक्त कई लोगों को ये आइडिया उनका पसंद नहीं आया। लेकिन नॉर्थ कोरिया के लीडर ने जो एक बार बोल दिया उसके आगे किसी की नहीं चलती। रियोग्योंग होटल, जिसका नाम योंगयांग से मिलता जुलता रखा गया, उसे 2 साल में धूमधाम से खोलने का फैसला लिया गया, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। 1992 तक ये तय हाइट तक बना दिया गया था, मगर अगले 16 सालों तक ना तो इसमें कोई खिड़की लगी और ये पूरी तरह से खोखली खड़ी रही। ये इतने सालों से ऐसी लग रही थी जैसे कोई खतरनाक राक्षस शहर को देख रहा हो। इसके आसपास की बिल्डिंग्स इसके सामने बच्चों जैसी लगती थी और देखते देखते पूरे वर्ल्ड में इसका नाम होटल ऑफ डूम से फेमस हो जाता है। लेकिन आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, क्यों ये प्रोजेक्ट आखिर स्टार्ट हुआ और आज किम जोंग उन के राज में किस हालात में ये बिल्डिंग है? इसके लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा, जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एग्जिस्ट नहीं करते थे। साल 1910 से लेकर 1945 तक कोरिया जापान की कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जब सोवियत यूनियन ने कोरिया के नॉर्दर्न हिस्से को कब्जे में लेना शुरू कर दिया, तब साउदर्न कोरिया को बचाने और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए अमेरिका ने भी अपनी सेना उतार दी और दोनों सेनाएं एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी। उस दौरान दोनों सेनाओं के बीच एक भीषण युद्ध चलता है, जिसके बाद कोरिया के दोनों नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो जाते हैं। अब नॉर्दर्न हिस्से में यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस था, तो वहीं साउदर्न में अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बना रहा था। यूएसएसआर ने अपने आर्मी कमांडर को नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट बनाया, वहीं अमेरिका ने साउथ कोरिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाकर वहां की पॉलिटिकल पार्टी को पावर सौंप दी, और इस तरह से क्रिएट हुई दो नई कंट्रीज, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जो कि एक दूसरे की आइडियोलॉजी के कारण एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जहां साउथ कोरिया डेमोक्रेसी के बाद से ही पूरी दुनिया के लिए खुल गया और वहां कई बड़े बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिले, वहीं कम्युनिज्म के अंडर नॉर्थ कोरिया की हालत बद से बदतर होती चली गई और आज नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे क्लोज्ड कंट्रीज में से एक है। इसी दौरान 1986 में साउथ कोरिया की एक फर्म ने सिंगापुर के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया था। इस होटल का नाम वेस्टर्न स्टैमफोर्ड होटल रखा गया, जो कि उस समय दुनिया का सबसे ऊंचा होटल था। इसके साथ ही साल 1988 में होने वाले ओलंपिक को होस्ट करने की कमान साउथ कोरिया को दी गई। दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने और ओलंपिक को होस्ट करने की वजह से साउथ कोरिया पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। लेकिन साउथ कोरिया का फेमस होना नॉर्थ कोरिया की फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे साउथ कोरिया से ज्यादा हम फेमस हो सके। बस फिर क्या था, उन्होंने ओलंपिक की तरह एक गेम को होस्ट करने की ठानी, जिसका नाम था वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स, जो कि साल 1989 में करवाया गया और इसे योंगयांग में होस्ट करवाया गया। इसमें तकरीबन 177 कंट्रीज में से केवल 20,000 लोगों ने इसकी कैपिटल में विजिट किया, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। इन्हीं कंट्रीज को नॉर्थ कोरिया की अच्छी इमेज दिखाने के लिए कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रोड्स एंड बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर भी बनाए गए, और इसी में से एक था रियोंगयांग होटल। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बनकर रह गया। साउथ कोरिया से जलन के चलते नॉर्थ कोरिया ने ये होटल बनाने की ठान तो ली थी, लेकिन इतना ऊंचा होटल बनाना उसके लिए गले में फंदे की तरह हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा स्टील की जरूरत थी, मगर नॉर्थ कोरिया के पास तो स्टील था ही नहीं। ऊपर से ये किसी के साथ ट्रेड भी नहीं करते थे, इसलिए वहां मौजूद इंजीनियर्स ने इस पूरे होटल को बस कंक्रीट से बनाने की सलाह दी, और यही वजह है कि इस होटल का आकार तिकोना है और इसे 3 तरफ से 75 डिग्री के एंगल से झुका हुआ रखा गया है।
लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन बीच में ही रोक दी गई। नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे आलीशान होटल बनाना तो चाहता था, जो कि किम इल संग का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसलिए इसे फिर से साल 1992 में उनके बर्थडे पर ओपन करने का स्केड्यूल किया गया। साल 1992 में एक बार फिर से होटल का काम जोरों पर चल पड़ा, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। साउथ कोरिया के साथ साथ नॉर्थ कोरिया की किस्मत उसको दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का रिकॉर्ड हासिल नहीं करने देना चाहती थी। तभी तो यूएसए और यूएसएसआर में चल रहे कोल्ड वॉर के चलते 1991 में यूएसएसआर पतन हो जाता है। नॉर्थ कोरिया जो फुल्ली यूएसएसआर पर डिपेंडेंट था, उसे एक बड़ा झटका लगता है और तभी के तभी उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। अब ना तो उसके पास किसी का सपोर्ट बचा था और ना ही उसके पास खुद का पैसा जिससे वो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू कर सके। यही वजह है कि इसका कंस्ट्रक्शन रुक जाता है और दूसरी बार भी किया गया होटल ओपनिंग का वादा भी टूट गया, जिसकी वजह से एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया दुनिया के सामने मजाक बनकर रह गया और वहां के लीडर्स पे ये बिल्डिंग का एक काला धब्बा बनकर रह गई। अगले 16 साल तक इस बिल्डिंग का नॉर्थ कोरिया ने जिक्र करना ही बंद कर दिया और ये वैसा का वैसा पड़ा रहा। अब इस होटल की वजह से नॉर्थ कोरिया की कैपिटल का पूरा व्यू खराब हो रहा था, क्योंकि ना तो नॉर्थ कोरिया इसे कंप्लीट कर पा रहा था और ना ही इसे हटा पा रहा था। यही नहीं, एक दौर तो ऐसा भी आया जब उन्होंने इस होटल को गिराने तक का फैसला ले लिया था, मगर वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि पूरी दुनिया के सामने एक मैसेज जाता कि एक देश जो खुद को न्यूक्लियर पावर बताता है, उसके पास एक बिल्डिंग तक पूरे करने की काबिलियत नहीं है। इसके अलावा कई बार तो नॉर्थ कोरिया ने जब इस एरिया की फोटोज इंटरनेट पर डाली, इस बिल्डिंग को फोटोशॉप के जरिए हटा दिया गया ताकि एक अच्छी इमेज दुनिया के सामने योंगयांग की दिख सके और ये इनकम्प्लीट बिल्डिंग कहीं भी इंटरनेट या मीडिया को ना दिखे। मगर इसके बाद भी ये इसको छुपा नहीं पाए और लोगों के पास इसकी असली इमेज आती रही। इसलिए फिर से साल 2008 में किम जोंग इल ने इस बिल्डिंग को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर दिया। इस प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन का प्रोजेक्ट एक इजिप्शियन कंस्ट्रक्शन फर्म और ऑरास्कॉम ग्रुप को दिया गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान साल 2009 में और ऑरास्कॉम ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बिशारा ने इस बिल्डिंग के कई बड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज आइडेंटिफाई किए और इस बिल्डिंग का अलाइनमेंट भी टिल्टेड पाया गया, जिससे ये पता चला कि कोरियन लीडर्स के द्वारा एक बड़ा घोटाला इसके कंस्ट्रक्शन में किया गया। इसके बेस स्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा स्टील की कमी थी, जिससे इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरी तरह सॉलिड नहीं था। लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करते हुए नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के प्रेशर में और ऑरास्कॉम ग्रुप ने दोबारा से इस बिल्डिंग पर काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट द्वारा इस बिल्डिंग के कई गवर्नमेंट स्टाम्प्स भी छापे गए और इसका काफी प्रचार किया गया। यहाँ तो कि नॉर्थ कोरिया ऑफिशियल्स ने अपनी स्टेटमेंट में इस बिल्डिंग को नॉर्थ कोरिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट किम इल्स के 100th बर्थ एनिवर्सरी पर यानी साल 2012 में कंप्लीट करके पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। ये स्टेटमेंट पूरे नॉर्थ कोरिया में दिया गया, लेकिन शायद नॉर्थ कोरिया की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि 19 दिसंबर 2011 को उस समय के नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग सेकंड की सडन डेथ के बाद उनके तीसरे बेटे किम जोंग उन ने सत्ता संभाल ली, जो अपने हथियारों के शौक में पूरा पागल था। किम जोंग के आते ही सबसे पहले उसने पूरी दुनिया से अपने रिलेशन पूरी तरह से कट ऑफ कर लिए। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में दुनिया भर से जो ह्यूमैनिटेरियन एड भी पहुंचती थी, उसे भी किम ने लेने से इनकार कर दिया। और ये सब किम जोंग ने इसलिए किया क्योंकि उसको कोरिया को एक स्टेबल और सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री दुनिया को दिखाना था, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उलट थी। अपनी लीडरशिप की शुरुआत के कुछ समय बाद ही किम जोंग उन ने इस बिल्डिंग पर दोबारा से कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू करवा दिया। इस बार नॉर्थ कोरिया काफी सीरियस लग रहा था, क्योंकि इसके जरिए किम अपनी लीडरशिप नॉर्थ कोरियन लोगों को प्रूव करना चाहता था। साल 2012 में इस होटल की फिनिशिंग और ओपनिंग का काम इंटरनेशनल होटल ऑपरेटर केम्पेंस्की को दिया गया, जिसके द्वारा इस होटल की ओपनिंग डेट 2013 अनाउंस की गई। लेकिन इसके साथ नॉर्थ कोरिया में एक और सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, जो अगले ही साल पूरी दुनिया को डराने वाला था। इसके कारण इस बिल्डिंग पर काम दोबारा से रोक दिया गया, क्योंकि इस पर खर्च होने वाला सारा पैसा और यहां तक कि पूरी नॉर्थ कोरिया के जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा इस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिया गया। ये प्रोजेक्ट था एक न्यूक्लियर टेस्ट, जिसे 12 फरवरी 2013 में कंडक्ट किया गया। इसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा कर रख दी। नॉर्थ कोरिया ने उस दौरान कई बड़े बड़े पावरफुल हथियार तैयार किए, लेकिन साल 2016 में किम को दोबारा से इस होटल की याद आई और इस बार इजिप्शियन कंस्ट्रक्शन फर्म और कासरोम ग्रुप को इसको कंस्ट्रक्ट करने का काम दिया गया। पर इसमें भी एक ट्विस्ट था, ये बिल्डिंग एक होटल बनाने के लिए कंस्ट्रक्ट नहीं की जा रही थी, बल्कि इस बार इसे किम अपने ही देशवासियों के ब्रेन वॉश के लिए एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए तैयार करने वाला था।
साल 2016 में कंस्ट्रक्शन साइट पर दोबारा से काम शुरू किया गया और इस बार ये काम 2018 तक चला। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑलरेडी काफी वीक हो गया था और अब इसके पिलर्स एंड वॉल्स में काफी धीरे धीरे क्रैक्स पड़ने लगे थे, पर इन सब के बावजूद किसी तरह नॉर्थ कोरिया ने इस पूरे बिल्डिंग पर कई सारे एलईडी लाइट्स लगवाए, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया द्वारा इस तरह की कई वीडियोस वायरल की गईं, जिसमें एलईडी लाइट्स के जरिए इस बिल्डिंग पर कई नॉर्थ कोरियन कम्युनिज्म स्लोगन, कोरियन फ्लैग और नॉर्थ कोरियन लोगों के लिए हिस्ट्री को मैनिपुलेट करके वीडियो चलाई जाती है। आज ये फ्यूचरिस्टिक रियोंगयोंग होटल कम से कम बाहर से पूरा दिखता है, हालांकि ऑफिशियली ये आज तक कम्प्लीट नहीं हुआ है और इस होटल को कभी खोला भी नहीं गया। इससे जाहिर है कि इसका अभी भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। पब्लिकली इसके बारे में आज भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि किम शासन की सख्त सेंसरशिप का मतलब है कि शायद ही कोई जानकारी कभी बाहर आ पाएगी। ऐसा लगता है कि इंटरनल वर्क वास्तव में अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। कई लोगों के मुताबिक इस बिल्डिंग के अंदर में बिजली की लाइनें तक नहीं है। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक सिचुएशन को देख के लगता नहीं है कि ये कभी पूरा हो भी पाएगा, क्योंकि 2013 में भी इन्होंने एक और होटल बनाने की ठानी थी जिसका नाम योंगवांग होटल रखा गया, लेकिन 2 साल कंस्ट्रक्शन के बाद इसे भी रोक दिया गया। ऊपर से नॉर्थ कोरिया के खिलाफ पहले से ही कई प्रतिबंध जारी हैं और इनके हटने की कोई संभावना नहीं है। जब तक किम राजवंश सत्ता में रहेगा कुछ भी नहीं बदलने वाला है, भले ही कितनी भी फंडिंग, गवर्नमेंट इंटरेस्ट और बिल्डिंग मटेरियल्स अवेलेबल हों। इतनी बड़ी खाली बिल्डिंग को मॉडर्न एरा में लेना बहुत मुश्किल काम होगा। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ कोरिया की ऐसी बिल्डिंग जो आज भूतिया बिल्डिंग बन चुकी है। आपको क्या लगता है, ये होटल कभी बन पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।